लव लॉजिक्स हेलो दोस्तों, लव लॉजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। ये कहानी शुरू होने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम आएंगे हर बार एक नए लव स्टोरी के साथ। सिद्धार्थ सलोनी के साथ पिछले 2 सालों से प्यार में था। लंदन में ही एक कंपनी में काम करते थे दोनों। सिद्धार्थ का घर परिवार सब इंडिया में था, पर अनफॉर्चुनेटली सलोनी का इस दुनिया में कोई नहीं था। नहीं सिद्धार्थ, तुम समझ नहीं रहे हो, मैं तुम्हारे माँ बहन इन लोगों से मिले बिना, उनसे बात किए बिना तुमसे शादी नहीं कर सकती। दिस इज रॉन्ग। ओह कम ऑन सलोनी, हम दोनों को इंडिया जाना ही कितना है। कभी कभार 2-3 साल में एक बार तो जाएंगे, फिर तुम मेरे माँ बहन इन लोगों के बारे में इतना क्यों सोच रही हो? कैसे ना सोचूं, मैं उनके बेटे से शादी करने जा रही हूँ, पर वो तो मुझे जानते ही नहीं। अगर हमें कभी इंडिया जाकर उनके साथ रहना पड़ा तो पता नहीं कैसे बिहेव करेंगे मेरे साथ। आई एम सो स्केयर्ड ऑफ दिस। अरे कुछ नहीं बोलेंगे वो तुम्हें, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। मैं जो भी डिसीजन लूंगा उन्हें बिल्कुल सही लगेगा। तुम खामोखा परेशान हो रही हो, और वैसे भी मैं एक इंडियन लड़की से ही तो शादी करने जा रहा हूँ, कोई फॉरेनर लड़की थोड़ी, फिर किस बात का टेंशन? टेंशन है मुझे सिद्धार्थ, क्योंकि मैं अनाथ हूँ, मेरे माँ पापा नहीं है, और मुझे अच्छी तरह से पता है कि इंडिया में ऐसी एक लड़की से कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहता, कोई भी उसे प्यार नहीं करता। ये सब तुम सोच रही हो, ट्रस्ट मी सलोनी, मेरे घर वाले बहुत ही अलग हैं, इसीलिए डरो मत प्लीज। जब सलोनी बस 7 साल की थी, उसके माँ पापा लंदन में ही एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए थे। तब से वो एक ऑर्फनेज में पली बढ़ी है। हिंदी में तो अच्छे से बात कर लेती है, पर इंडिया में उसके नाना नानी के पास जाने से डरती है, कहीं उसे कोई अनाथ, मनहूस, अपशगुन ये सब कड़वी शब्द बोल के कुछ सुना ना दे। लगता है जैसे बहुत सारे बॉलीवुड फिल्म्स देखती है, इसीलिए तो इतना डर भरा हुआ है उसके मन में। ओ सिद्धार्थ, कितना लेट करते हो, कब से तुम्हारा वेट कर रही हूं मैं। सॉरी यार, थोड़ा लेट हो गया, आज तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है मुझे। मुझे पता है तुम शादी के बारे में ही बात करने वाले हो, पर मुझे कोई बात नहीं करनी इस बारे में। सलोनी यार बस करो, अब मैंने अपने माँ बहन दोनों से बात कर लिया है, उन्हें तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं, और ना ही तुम्हारे अनाथ होने पर। ओके, अब तो मान जाओ। सच बोल रहे हो ना? अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगा, वो भी तुमसे जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ। अब बताओ, शादी करोगी या नहीं? या फिर एक बात जान लो, इस बार भी तुम ऐसे ही मना करती रही तो मैं यहाँ का जॉब छोड़ के हमेशा के लिए इंडिया चला जाऊंगा, फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। ऐसे मत बोलो, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जी सकती, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। सिद्धार्थ और सलोनी लंदन में ही एक चर्च में शादी कर लेते हैं। हाय माँ, ये देखिए आपकी बहू सलोनी। नमस्ते माँ। हमेशा खुश रहो। अरे तुम दोनों तो शादी कर लिए हो, अब इंडिया में सेटल होने आ जाओ, हम सब मिलके रहेंगे। इंडिया में? ओके माँ, सोचते हैं इस बारे में। सोचना क्या है इसमें, हम सब मिलके रहेंगे तो कितना अच्छा लगेगा, है ना बहू? जी माँ। सलोनी कभी भी परिवार नहीं देखी थी, उसे हमेशा से मन था कि वो जिससे शादी करे उसका जॉइंट फैमिली हो, जहाँ बहुत मजा आए। और वो अब सिद्धार्थ से शादी तो कर ली थी, पर फिर भी कहीं ना कहीं इंडिया जाकर उनके साथ रहने से डरती थी। तो क्या कहती हो मैडम? किस बारे में? इंडिया जाकर सेटल होने के बारे में। माँ की उम्र हो गई है, बहन भी शादी की लायक हो चुकी है, मैं यहाँ पे रहूंगा
तो वहाँ उनके लिए कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। बस पैसे भेज देने से सब कुछ थोड़ी हो जाता है। सही बोल रहे हो तुम, अकेले बेटे हो, सबका ध्यान तो तुम्हें ही रखना चाहिए। सच कहूँ तो मुझे भी बहुत मन करता है इंडिया जाकर तुम्हारे फैमिली के साथ रहने को, पर डर भी लगता है मुझे। चलो अब मन में सेकेंड थॉट मत लाओ, तुम्हें मन है इंडिया जाकर सेटल होने को, तो चलो प्लान शुरू करते हैं। कुछ ही महीनों में सिद्धार्थ और सलोनी फॉरेन के जॉब छोड़ के हमेशा के लिए इंडिया यानी कि सिद्धार्थ के घर चले जाने को तय कर लिए। सिद्धार्थ को इंडिया में जॉब मिल गई थी, पर सलोनी इतनी जल्दी जॉब ज्वाइन नहीं करना चाहती थी। उसे कुछ दिनों तक फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मन था। माँ, भैया तो वो फॉरेनर से शादी कर लिए हैं, क्या वो हमारे साथ एडजस्ट हो पाएगी? पता नहीं सोनिया, अब सिद्धार्थ तो डिसाइड कर चुका था कि उसे उसी लड़की से ही शादी करनी है, तो फिर मैं क्या ही बोल पाती। अगर वो हमारे साथ अच्छा बर्ताव ना करे तो? ऐसा करेगी तो मैं वापस उसे फॉरेन भिजवा दूंगी, मुझे नहीं चाहिए ऐसी बहू। और भैया? अरे वो तो मेरा बेटा है, उसे तो मैं समझा बुझा कर यहीं पर रख लूंगी और एक प्रॉपर इंडियन लड़की के साथ दोबारा शादी करवा दूंगी उसकी। हाँ लगता है आ गए, चल। आ गया सिद्धार्थ, कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं हम, आओ बहू आओ। प्रणाम माँ। अरे भाभी आप प्रणाम माँ बोल रही हैं? मुझे तो लगा था आप हेलो आंटी बोलेंगी। सोनिया तेरी टांग खींचने की आदत गई नहीं, अब तो मैं भाभी को रोज परेशान करूंगी। कुछ ही देर में सलोनी और सिद्धार्थ उनके कमरे में आराम करने चले गए और शाम होते ही सिद्धार्थ के घर में भीड़ जम गई थी। क्यों? अरे भाई फॉरेन से शादी करके आया है लड़का, बहू को देखने लोग तो आएंगे ही, खाली देखेंगे थोड़ी, उसके रंग रूप चाल ढाल पे चर्चे भी होंगे। शाम से रात हो गई थी पर सिद्धार्थ के घर में बैठ के अब भी कुछ लोग बातें कर रहे थे। सुनीता तेरी बहू को तो देख लिया, सुंदर है, पढ़ी लिखी भी है, पर उसके माँ पापा भाई बहन कोई नहीं आया उसके साथ। क्या बताऊं जीजी, बहुत ही बदनसीब लड़की है, बचपन में ही उसके माँ बाप एक गाड़ी एक्सीडेंट में गुजर गए थे, अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। अनाथ, थोड़ा संभल के रहना, ऐसी लड़कियां घर के लिए शुभ नहीं होती। नहीं नहीं आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? सलोनी बहुत ही अच्छी लड़की है, हमारी संस्कृति परंपरा सब जानती है। तो क्या हुआ, पली बड़ी तो है नहीं ना यहाँ पे। खैर हमें क्या, सिद्धार्थ खुश तो हम भी खुश। मैं भी अब भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बेटी पिंकी की भी जल्द ही हाथ पीले हो जाए। ऐसी बातें चल रही थी कि तभी ऊपर के कमरे से जोर से चिल्लाने की आवाज आई। ये तो सलोनी की आवाज है। अरे चलो चलो ऊपर चलो, जल्दी करो। सब तुरंत ही ऊपर सलोनी के कमरे में पहुंच गए, जहां सलोनी कमरे के कोने में मुंह छुपाए रो रही थी। सलोनी क्या हुआ, तुम ऐसे डरी हुई क्यों हो? माँ माँ मैंने अभी बालकनी में एक साया देखा, बहुत ही डरावना था, जैसे कोई भूत हो वहां पर। भूत हमारे घर में? लो बहू घर पे पैर रखते ही उसे भूत दिखाई देने लगा है। हाँ आंटी सच में मैंने किसी को बालकनी में देखा। सलोनी की सास बिना देर किए बालकनी अच्छे से देख लिए, पर वहां तो कोई नहीं था। सलोनी बालकनी में तो कोई नहीं है, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। हाँ हाँ ऐसी गलत फहमी तो मेरे रिश्तेदार में भी एक बहू को हुई थी, पागल निकली बाद में, भगवान करे तुम्हारे बहू के साथ ऐसा ना हो,
आगे से ध्यान रखना बहू। बहू, फॉरेन से आई हो तुम, यहाँ पे एडजस्ट होना सीखो, नहीं तो हमारे सिद्धार्थ की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। चलती हूँ, रात काफी हो गई है। सलोनी को इस बारे में कोई भी ज्यादा कुछ नहीं पूछा और सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। सिद्धार्थ जब घर वापस आया तब उसे पता चला कि घर में इतना सब कुछ हो गया है। सलोनी, तुम्हें जरूर कोई वहम हुआ होगा, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो लगता है कि तुम बहुत सारे बॉलीवुड फिल्म्स देखा करती हो, ये उसी का ही नतीजा है। शायद तुम सही बोल रहे हो, मुझे जरूर कोई वहम ही हुआ होगा। अब फैमिली में आ गई हो, सबके साथ बातचीत करो, घुलो मिलो, हंसी मजाक करो, देखना तुम बहुत जल्द ही इस माहौल में एडजस्ट हो जाओगी, फिर कोई साया वाया तुम्हें नजर नहीं आएगा, ट्रस्ट मी। चलो अब सो जाते हैं, कल नए ऑफिस में मेरी ज्वाइनिंग है, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। रात को सब अच्छा रहा। सुबह भी सिद्धार्थ तैयार होकर ऑफिस चले जाने के बाद सलोनी नीचे लिविंग रूम में बैठकर सास और ननंद के साथ बात करना चाहती थी। अरे भाभी, भैया तो ऑफिस चले गए, फिर आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? आप जाकर अपने कमरे में आराम कीजिए ना। नहीं सोनिया, कल से बहुत आराम कर ली, मैं सोच रही थी क्यों ना हम सब बैठ के बातें करें। नहीं बहू, मुझे लगता है तुम बहुत थकी हुई हो, कुछ दिन अच्छे से आराम कर लो, फिर हम सब बैठ के रात दिन 24 घंटे बातें करेंगे, क्यों? हाँ हाँ भाभी, माँ एकदम सही बोल रही हैं, आप जाकर आराम कर लीजिए, क्या पता शाम को फिर से कुछ लोग आपको देखने घर पे आ जाएं, तो बहुत परेशान कर देंगे सच में। सलोनी को तो दिन भर ऑफिस में काम करने की आदत थी और अब उसे क्या ही आराम करना था कमरे में जाकर, फिर भी वो सास का कहा मान के ऊपर अपने कमरे में चली गई। काफी देर तक नॉवल पढ़ने के बाद कुछ पल के लिए उसकी आंख लग गई। बेचारी सलोनी, उसे सोना नहीं चाहिए था। जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज तो कंप्लीट हो चुके हैं, आज कुछ काम भी नहीं है, जल्दी निकल जाता हूँ, सलोनी को लेकर कहीं घूमने जाऊंगा। इतने सालों बाद मैं इंडिया आया हूँ और सलोनी तो इंडिया बिल्कुल देखी ही नहीं है, फोन करके इन्फॉर्म कर देता हूँ, मेरे पहुंचते पहुंचते वो तैयार हो जाएगी। मैडम जरूर माँ के साथ बैठ के गप्पे लड़ा रही होगी, तभी तो मेरा फोन कॉल मिस कर रही है। चलो डायरेक्ट घर ही पहुंच जाता हूँ मैं। नींद में सलोनी को पता नहीं चला कि सिद्धार्थ ने उसे कॉल किया है। फिर कुछ देर बाद पलक झपकते ही उसके ठीक सामने बेड के ऊपर एक सांप था। सलोनी तुरंत ही बेड से उतरकर चिल्लाते हुए कमरे के बाहर चली गई। माँ, ये तो भाभी की आवाज है। हाँ, क्या वो फिर से भूत देख ली? चल चल ऊपर चलते हैं। इतने में ही सलोनी भाग के नीचे आ चुकी थी। माँ माँ, ऊपर कमरे में सांप है, मेरे बेड के ऊपर था। सांप? वो भी ऊपर के कमरे में? सलोनी को चिल्लाता हुआ सुन पड़ोस की दो आंटी भी घर पे आ चुकी थी। फिर सब मिलके सलोनी के कमरे में जाकर सांप ढूंढने लगे, पर सांप किसी को दिखा ही नहीं। यही तो था बेड पे, मैं सच बोल रही हूँ। बहू, ऐसी हरकतें करके अब सबके सामने हमारी नाक मत कटवाओ। माँ, मैं बस करो अब, तुम्हें इंडिया नहीं आना था तो सीधा सीधा मना कर देती, अब मेरे बेटे के सामने अच्छी बनने के लिए यहाँ पे आ तो गई, पर इस घर से चले जाने की अच्छी प्लानिंग भी बना रही हो तुम। माँ, सलोनी सास के सामने कुछ भी बोल नहीं पाई और सिद्धार्थ के आने का इंतजार करने लगी। उधर लिविंग रूम में इस बात की चर्चा शुरू हो चुकी थी। देखो मेरी मानो तो इसे डॉक्टर के पास ही ले जाओ, दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है मुझे इस लड़की का। मुझे तो लगता है कि ये बहाना मार रही है, बचपन में ही माँ बाप को खो दी है,
परिवार में रहने का महत्व इसे कहां से मालूम होगा। इसीलिए ऐसे नाटक करके सिद्धार्थ के साथ और कहीं सेटल होने का रास्ता साफ कर रही है, बस और कुछ नहीं। हाँ, मुझे भी यही लगता है, पर मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मेरा बेटा इतने सालों बाद हमारे साथ रहने फॉरेन की जॉब छोड़ के यहाँ पे आ गया, और वो अब अलग रहने जाएगा, वो भी इस पागल के साथ? नहीं, कभी नहीं। ऐसे तो कंफर्म कुछ नहीं कह रही हूँ मैं, पर लगता है जैसे भूत प्रेत का भी साया हो सकता है बहू पे। ठीक उसी समय सिद्धार्थ घर पे आकर पहुंचा और ये भूत प्रेत की बात उसके कान में पड़ी। आंटी, किस पे भूत प्रेत का साया है? आप सब बैठ के ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, सलोनी के बारे में ही ना? हाँ, आज फिर से दिन के उजाले में भी तुम्हारी पत्नी को सांप दिख गया, वो भी बेड के ऊपर। घर में आए हुए दो दिन नहीं हुए कि रोज रोज एक नया ड्रामा। बेटा, क्या चाहती है वो? तुझे हमसे दूर करके और कहीं रहना चाहती है ना? माँ प्लीज, सलोनी ऐसी लड़की नहीं है। वो तो खुद चाहती थी कि इंडिया आकर फैमिली के साथ रहे, हम सबके साथ मिलके। लो तो फिर ये सब क्या? सिद्धार्थ सलोनी के पास जाकर उसे शांत करने की कोशिश करता है, पर सलोनी अब बहुत डरी हुई थी। उसे इस कमरे में रहने से ही डर लगने लगा था। सिद्धार्थ, क्या हम दोनों किसी और कमरे में शिफ्ट हो सकते हैं प्लीज? दूसरा कमरा? ओके, मैं माँ के साथ बात करके देखता हूँ। पर सलोनी, मैं चाहता हूँ कि तुम अब जॉब ज्वाइन कर लो, दोनों एक साथ निकल जाएंगे और शाम को भी एक साथ घर वापस आएंगे। मैं तुम्हारे साथ साथ घर पे रहूंगा, फिर तो डर नहीं लगेगा ना तुम्हें? हाँ, यही सही है, मैं आज से ही ट्राई करती हूँ। सलोनी जॉब ढूंढना शुरू कर चुकी थी और आजकल सिद्धार्थ जब घर पे ना हो तो वो ऊपर के कमरे में जाती ही नहीं थी, नीचे सास और ननंद के पास पास ही रहती थी। फिर एक दिन डिनर तो बन गया, माँ भी अब मार्केट से आ ही रही होंगी, तब तक थोड़ा जाकर मेल चेक कर लेती हूँ, पता नहीं लास्ट इंटरव्यू का स्टेटस क्या है। सलोनी कॉरिडोर से होकर अपने रूम में जाने ही वाली थी। सोनिया, सोनिया कहाँ हो तुम? जल्दी आओ सोनिया, सोनिया। भाभी क्या हुआ, आप क्यों चिल्ला रही हैं? माँ भी घर पे नहीं है। सोनिया, कॉरिडोर की दीवार पे, चलो मेरे साथ प्लीज। अब क्या हो गया भाभी? जब सलोनी सोनिया के साथ वापस कॉरिडोर में आई। क्या हुआ सोनिया? सलोनी, क्या बात है, ऐसे घबराए हुए क्यों हो? भाभी ने फिर से कुछ देख लिया है माँ। माँ, इसी दीवार पे, हाँ इसी दीवार पे ही लिखा था, वापस चली जा, पर अब देखिए ना। ड्रामा बंद करो भाभी प्लीज। एक बात बताओ बहू, बचपन में तुम्हें कोई सदमा लगा था क्या? देखो, तुम्हारे साथ अगर कुछ ऐसा हुआ हो तो तुम हमें बता सकती हो, हम उसका प्रॉपर इलाज करवाएंगे। मुझे क्या आप पागल समझ रही हैं? मैं ना ही पागल हूँ और ना ही मुझे कोई सदमा लगा है। माँ, ये भाभी तो सच में पागल है, कहीं हमारे ऊपर कभी अटैक ना कर दे। सिद्धार्थ को आने दे, उसी के साथ ही बात करेंगे अब। बेटा, आज का दिन कैसा रहा ऑफिस में? सब बढ़िया था माँ, क्या बात है, आप टेंशन में लग रही? हाँ, टेंशन वाली ही बात है। क्या हुआ है, खुल के बोलो ना। सलोनी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। सिद्धार्थ, मुझे तुम्हारा घर तोड़ के क्या मिलेगा बेटा, पर यही सच है, मेरा यकीन करो, आज फिर से उसने। सिद्धार्थ की माँ उसे सारी बातें बताई। अब तो धीरे धीरे मुझे भी लगने लगा है कि सलोनी को सच में कुछ हो गया है। एक बार वहम हो सकता है, पर ऐसे रोज रोज एक नया सीन, उफ। उसे अभी से ही डॉक्टर दिखाना चाहिए, पता नहीं आगे ये सब बढ़ जाए तो
तो हम भी सेफ नहीं है उसके साथ। माँ, भाभी पहली बार इंडिया आई हैं, उन्हें शायद यहाँ पे एडजस्ट होने में डिफिकल्टी हो रहा है। एक काम करते हैं, उन्हें और थोड़ा स्पेस देते हैं, प्यार से बातें करते हैं, शायद वो ठीक हो जाएं। क्यों भैया? हाँ, इतनी जल्दी उसे डॉक्टर के पास ले जाना सही नहीं लग रहा मुझे, उसे थोड़ा और वक्त देते हैं। सिद्धार्थ कुछ दिनों तक छुट्टी लेकर सलोनी को बाहर घुमाने लेके गया। घर पे भी माँ और सोनिया दोनों सलोनी के साथ ढेर सारा टाइम स्पेंड किए, हमेशा ही उसे खुश रखने की कोशिश की। लगता था जैसे सब ठीक होने लगा है। सलोनी को भी एक अच्छी सी कंपनी से जॉब ऑफर मिल गया था। फिर एक दिन माँ, आज ऑफिस में मेरा पहला दिन है, मैं अभी निकल जाऊंगी, यहाँ तो ट्रैफिक भी रहता है, शायद ज्यादा टाइम लगेगा मुझे। हाँ जाओ, अपना ध्यान रखना और पहुंचते ही मुझे कॉल या मैसेज कर देना। जी माँ। पर बहू तुम जाओगी कैसे? आप चिंता मत कीजिए माँ, सिद्धार्थ आज ऑफिस अपने किसी दोस्त के साथ चले गए हैं और मेरे लिए कार छोड़ दिए हैं, मैं कार से ही चली जाऊंगी। अच्छा तो फिर ठीक है। सलोनी ऑफिस निकलने के लिए कार के पास जाते ही उसे एक खुशबू आती है और वो इधर उधर देखने लगती है। यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर ये खुशबू कैसी? पता नहीं, शायद किसी की परफ्यूम का स्मेल है, पर बहुत अच्छा है। ऐसे ही सोचते सोचते सलोनी कार का डोर खोल के अंदर जाते ही उसके पास वाली सीट पे अब तो वो एक्सपेक्ट भी नहीं की थी कि उसके साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। वो चिल्लाते हुए कार से बाहर निकली और सीधा घर के अंदर चली गई। बहू क्या हुआ, तुम इतना डरी हुई क्यों हो? माँ पता है मुझे आप फिर से मेरी बात यकीन नहीं करेंगे, पर कार के अंदर एक स्कल है, कोई जानबूझकर मेरे साथ ऐसे कर रहा है। ट्रस्ट मी प्लीज, मैं झूठ नहीं बोल रही। खोपड़ी रियली भाभी, चलिए देखते हैं। जब कार के पास सब पहुंचे तब होना क्या था, कार में कोई स्कल नहीं था और इस बार उसके सास का गुस्सा एकदम सर पे था। अरे अरे अरे, ये बहू चिल्ला क्यों रही है, क्या फिर से इसने कुछ देख लिया? हाँ, आज इसने खोपड़ी देखी है, पता नहीं किस पागल के साथ मेरे बेटे का पाला पड़ा है, परेशान करके रखी है हमें, बहुत हो गया अब, सिद्धार्थ आज ही इसे पागल खाना छोड़ आएगा। पर नहीं बहू को ऐसे। आई एम सो सॉरी अबाउट सिद्धार्थ, बेचारा कितना दुखी होगा। आंटी सलोनी भाभी को आप घर पे ही रहने दीजिए ना, पागल खाना भेजना जरूरी है क्या? हाँ बहुत जरूरी है, इसका पागलपन और बढ़ता गया तो पता नहीं किसी दिन हमारा ही कुछ नुकसान ना कर दे। हाँ माँ, अब मैं भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही, अभी मैं ऑनलाइन एग्जाम लिख रही थी, भाभी के नाटक की वजह से बीच में छोड़ के आना पड़ा, ये अब इस घर में नहीं रह सकती। बस शाम को सिद्धार्थ ऑफिस से घर पहुंचा, तब तक घर पे सलोनी की वजह से सब परेशान हो चुके थे। माँ सलोनी आज जॉइनिंग पे क्यों नहीं गई और अपना फोन भी स्विच ऑफ करके रखी है? तुम्हारी पागल पत्नी आज भी नौटंकी की है और उसका मोबाइल मैंने छीन लिया है, क्या पता उसी में कोई फिल्म देखकर घर पे ड्रामा कर रही होगी। भैया अब तो इस घर में भाभी रहेंगी या फिर मैं, मेरी पढ़ाई में बहुत दिक्कत हो रही है उनके वजह से, उन्हें जल्द ही घर से बाहर निकालो। मुझे नहीं लगता था कि सलोनी ऐसी पागल निकलेगी, उफ, रोज रोज ये सब सुनते सुनते मैं परेशान हो गया हूँ, उसे मैं डॉक्टर के पास ही ले जाऊंगा अब। सिद्धार्थ आई नो मैं जो बोल रही हूँ उसे बिलीव करना बहुत ही अजीब है, पर ट्रस्ट मी कोई मेरे साथ ये घटिया गेम खेल रहा है। कोई गेम फेम नहीं है बेटा, तुम्हारी ये फॉरेनर पत्नी की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है, इसे तुरंत ही डॉक्टर के पास ले जाओ,
तभी जाकर सब ठीक हो सकता है इस घर में। सिद्धार्थ, ट्रस्ट मी प्लीज। चुप करो सलोनी, चुप करो, बहुत हो गया। तुम फॉरेन में अपना सब कुछ छोड़ के मेरे परिवार के साथ रहने आई थी, पर तुम तो किसी के साथ भी रहने की लायक नहीं हो। तुम्हें पागल खाने में ही रहना चाहिए। हाँ भैया, मेरे एक दोस्त के पापा साइकियाट्रिस्ट हैं, भाभी को लेकर उनसे मिल लो, मैंने बात कर ली है। अगले ही दिन सिद्धार्थ सलोनी को लेकर साइकियाट्रिस्ट से मिलने चला जाता है। और इधर घर में, ये क्या बोल रही हो तुम? तुमने अपनी बहू को सच में पागलखाना भेज दी, पर वो घर पे रहती तो शायद ठीक हो जाती। ऐसे क्यों की तुम? अब पता नहीं उस पे क्या बीतेगी वहाँ पे। हे भगवान! नहीं, मुझे नहीं लगता वो ठीक होने वाली है। अब मैं अपने बेटे की दूसरी शादी जल्द ही करवा दूंगी, बस यही मेरा आखिरी फैसला है। ठीक उसी वक्त सिद्धार्थ घर पे पहुंचा, वो भी अकेला। सिद्धार्थ, बेटा सलोनी को पागल खाने में भर्ती कर दी ना। हाँ माँ, डॉक्टर बोले कि सच में सलोनी पागल हो चुकी है, इसीलिए उसे कुछ महीनों तक असाइलम में ही रहना होगा। अब सब सही होगा। पर सिद्धार्थ की माँ, फिर भी मुझे लगता है कुछ गलत हो रहा है। बहू को पागल खाना नहीं भेजना चाहिए था, शायद घर पे ही ठीक हो जाती वो। वो घर पे रहेगी तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कैसे करवा पाऊंगी? क्या, दूसरी शादी? हाँ, मैं सिद्धार्थ के लिए रिश्ता देखना शुरू कर चुकी हूँ। आप ये क्या बोल रही हैं? आपने जो सुना मैंने वही बोला। अब आपके नजर में कोई अच्छा रिश्ता है तो बोलिए। मैं तो शुरू से चाहती थी कि पिंकी से ही सिद्धार्थ की शादी हो जाए। बहुत मन था पिंकी को इस घर की बहू बनाने का, पर किस्मत का खेल देखो ना। हाँ, पिंकी और सिद्धार्थ बचपन से ही एक दूसरे को कितना चाहते थे। फिर सिद्धार्थ फॉरेन चला गया अपनी पढ़ाई पूरी करने, और फिर नौकरी करके वहीं पे सेटल हो गया। फिर वो पिंकी को भुला दिया। पता है मुझे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा सिद्धार्थ एक ऐसी पागल लड़की के चक्कर में फंस जाएगा। खैर, जो भी हो, अब तो सब ठीक हो गया है। आप पिंकी से एक बार बात करके देखिए ना, अगर वो मान जाए तो। बात करने को तो मैं कर लूंगी, पर मुझे नहीं लगता कि वो इस रिश्ते के लिए अब तैयार होगी, क्योंकि वो सलोनी के बारे में सोचकर बहुत परेशान रहती है। पिंकी और सिद्धार्थ एक दूसरे से प्यार करते थे, अब भी सब कुछ सही हो सकता है उनके बीच। आप प्लीज पिंकी को मनाने की कोशिश कीजिए ना, मेरा मन कहता है आज नहीं तो कल वो जरूर मान जाएगी। ठीक है, आप कहती हैं तो कोशिश करती हूँ, पर मैं आपको यकीन नहीं दिला सकती कि पिंकी मान जाएगी। अब सलोनी पागल खाने में थी, और उसकी सास और ननंद दोनों चाहते थे कि वो कभी भी घर वापस ना आए। और सिद्धार्थ दुखी तो था, पर इतना भी नहीं जितना उसे होना चाहिए। शायद वो भी ये मान लिया था कि सलोनी एक पागल लड़की है, जिसका दिमागी हालत बचपन से ही माँ पापा को खो देने के बाद से बिगड़ गया है। पिंकी, तू तो सिद्धार्थ को अच्छे से जानती है, उसे प्यार भी करती थी। अब उनके परिवार में ऐसा बुरा वक्त चल रहा है, तो बेटी क्यों ना तू ही अब उनके घर संभाल ले। क्या कहना चाहती हो माँ? यही कि सिद्धार्थ की माँ चाहती है कि तू सिद्धार्थ से शादी कर ले, सलोनी की जगह ले ले, ताकि उनके घर में भी खुशहाली आ जाए। पर माँ, सलोनी का क्या होगा? सलोनी के बारे में डॉक्टर बोल रहे हैं कि वो कभी भी वापस नहीं आएगी। अगर आ भी गई तो सिद्धार्थ उसे लंदन भेज देगा। अब सब तेरे हाथ में है बेटी, मान जा इस रिश्ते के लिए। पिंकी, तुझे मैंने बचपन से ही अपनी बहू के रूप में देखा है, अब देखना भगवान भी उस सलोनी को सिद्धार्थ से दूर कर दिए। हाँ पिंकी दीदी, हम सब यही चाहते हैं कि आप हमारे घर आ जाएं, प्लीज़।
मान जाइए ना। लगता था जैसे पिंकी इस रिश्ते के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसे हर वक्त सलोनी की चिंता खाई जा रही थी, पर सबके बार बार मनाने पर वो सिद्धार्थ के साथ शादी करने तैयार हो गई। ठीक है, मैं सिद्धार्थ से शादी करने तैयार हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि सिद्धार्थ मुझे पहले जैसा प्यार करे। ऐसा ना हो कि मैं उससे शादी कर लूं, पर वो सलोनी के याद में डूबा रहे, मेरे अंदर सलोनी को ढूंढे। वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं सिद्धार्थ से बात करूंगी, वो तुम्हें वक्त देगा, तुम्हारे साथ घूमना फिरना सब करेगा। फिर तुम्हें जब लगे कि शादी के लिए सही वक्त है, तभी हम शादी करवाएंगे पिंकी। ठीक है। दोनों का परिवार मिलके पिंकी को तो मना लिए, पर सिद्धार्थ से बात कौन करेगा इस बारे में? अगर कोई उसे पिंकी से शादी करने बोल भी दिया, तो क्या वो सच में सलोनी को भुला के पिंकी के साथ रिलेशन जोड़ेगा? बेटा, आज का दिन कैसा रहा? कुछ खास नहीं माँ, रेगुलर जैसे रहता है वैसे ही था। देख बेटा, काम तो हमेशा बोरिंग ही होता है, उसे हमें इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है, जैसे कि बाहर घूमने जाना, दोस्त बनाना, हंसी मजाक करना। क्या कहना चाहती हो माँ, सीधा सीधा बोलो ना। अब कितने दिनों तक ऐसे अकेला दुखी होता रहेगा? देख, पिंकी भी आई है, उससे लेकर बाहर घूमा, मन हल्का हो जाएगा बेटा। पर पिंकी के साथ? क्यों, क्या पहले हम दोनों घर पे बिना बताए कहीं बाहर घूमने नहीं गए हैं? या फिर कॉलेज बंक करके मूवीज थिएटर देखने नहीं गए? सिद्धार्थ, आई वॉन्ट टू सी यू हैप्पी अगेन। पिंकी, वो सब पुरानी बातें हैं। पुरानी बातें? मैं तो वहीं पर अटकी हुई हूँ सिद्धार्थ, जब तुम मुझसे वादा करके हायर स्टडीज के लिए फॉरेन चले गए थे, और वहीं पर जॉब करके लव मैरिज भी कर लिए। एक बार मेरी याद नहीं आई तुम्हें? I'm sorry for that। खैर, कोई बात नहीं, सलोनी के साथ जो हुआ वो किसी भी लड़की के साथ ना हो, भगवान उसे जल्द ही ठीक कर दे। पर सिद्धार्थ, तुम्हें भी अपना ख्याल रखना चाहिए। चलो मेरे साथ, हम दोनों आज हमारे पुरानी जगह पे चलेंगे। मुझे मन नहीं है पिंकी, प्लीज। प्लीज सिद्धार्थ, चलो ना। शुरू हो गई पिंकी और सिद्धार्थ की दोस्ती फिर से। दोनों एक साथ बस आज नहीं, आजकल हर रोज घूमने लगे थे। सिद्धार्थ शुरू शुरू में ये सब के लिए राजी नहीं था, पर वो करता भी तो क्या करता। इधर घर पे माँ बहन यही चाहते थे कि वो फिर से हंसी खुशी से सेटल हो जाए, और पिंकी के साथ तो उसका रिश्ता भी पुराना था। सिद्ध, मुझे एक बात बताओ, तुम तो सलोनी से इतना प्यार करते थे, फिर उसे इन 4 महीनों में कैसे भुला दिए? पिंकी, माना कि मैं सलोनी से लव मैरिज किया था, पर सच में बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने गलती कर दी है, वो मेरे लायक ही नहीं थी। और तुम्हारे साथ मैं हमेशा से खुश था, स्कूल, कॉलेज, और अब मुझे समझ आ गया है कि तुम ही मेरी सब कुछ हो, मेरा फ्यूचर भी तुम्हारे साथ ही है। वो तो है, पर सच कहूँ तो मुझे सलोनी के बारे में सोच के बहुत दुख होता है। इतने महीनों से वो किस हालत में होगी क्या पता। तुम्हें उसकी याद नहीं आती, सच बताओ। नहीं, मुझे अब रात दिन बस तुम्हारा ही ख्याल आता है। हेल कर दी थी वो मेरी लाइफ को, मेरे माँ मेरी बहन दोनों परेशान हो गए थे उसकी वजह से। बस उसके बारे में और बात नहीं करनी मुझे। ओके ओके, लीव इट। पिंकी, अब क्या कहती हो, मुझसे शादी करोगी या नहीं? तुम तो शुरू से ही मेरा प्यार हो, तुम्हारे अलावा मैं और किसी के बारे में सोची तक नहीं सिद्ध। हाँ, मैं अब शादी के लिए तैयार हूँ। मुझे यकीन हो गया है कि तुम वही पुराना सिद्ध बन चुके हो जो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता था। आई लव यू पिंकी, मैं सच में बहुत खुश हूँ। आज मैं माँ के साथ बात करूंगा, जल्द ही उस सलोनी को डिवोर्स देकर तुम्हारे साथ सगाई कर लूंगा मैं। सिद्धार्थ और पिंकी जल्द ही सगाई करने वाले थे। दोनों के बीच का प्यार अब आसमान में पहुंच चुका था। पागल प्रेमी बनके दोनों आसमान में उड़ने लगे थे, और सिद्धार्थ की माँ को ये पता चलते ही वो भी पंडित बुला के उनकी सगाई की डेट निकलवा दी।
माँ 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 मैं आज बहुत खुश हूँ। आखिर में सिद्धार्थ मुझसे फिर से प्यार करने लगा है। हाँ बेटी, तुम दोनों हमेशा खुश रहो। वैसे मुझे लगता है तुम्हें जाकर एक बार सलोनी को देख आना चाहिए, पता नहीं कैसी होगी अब। हाँ माँ, जाना तो चाहिए, पर सिद्धार्थ नहीं चाहता उससे मिलने, मैं क्या करूँ। पर तुझे सिद्धार्थ को मनाना चाहिए। अब जा, जल्दी से तैयार हो जा। सिद्धार्थ की माँ शगुन की थाली लेकर आ रही होंगी, मुझे भी कुछ तैयारी करनी है। ठीक है माँ। माँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, दोपहर को लंच करने आऊंगा। अरे बेटा, तुम जा कहाँ रहे हो? हमें पिंकी के घर शगुन लेकर अभी जाना है, सारी तैयारी हो चुकी है, तुम्हें भी तो चलना चाहिए ना हमारे साथ। माँ, मुझे इस सब में और मत फंसाओ प्लीज, आपको जो करना है कीजिए, पर मुझे बाहर जाना है बस। कहाँ जा रहे हो वैसे तुम? बोला ना, काम है। अच्छा, मुझे सब पता है सिद्धार्थ। पता है तो फिर मत पूछिए ना, आपके कहने पर मैं पिंकी से शादी करने तैयार हूँ, अब बस कीजिए माँ। इतना बोल के सिद्धार्थ घर से निकल गया और सिद्धार्थ की माँ रस्म निभाने शगुन की थाली लेकर पिंकी के घर पहुंची। अब तो हम समधन बन जाएंगे, क्यों पिंकी की माँ? हाँ हाँ, जब सिद्धार्थ और पिंकी छोटे थे तभी से तो हमने तय कर लिया था कि आगे चल के हमें इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलनी है। पिंकी, पिंकी दरवाजा खोल बेटी, प्लीज पिंकी, पागलपंती मत कर, तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तुझे अच्छी तरह से पता है मैं तेरे बगैर जी नहीं सकती। पिंकी, पिंकी। क्या हुआ माँ, क्यों रोक रही हो मुझे? मैं जीना नहीं चाहती, सिद्धार्थ मुझे कैसे भूल सकता है? क्या कमी है मुझ में जो वो अब किसी फॉरेनर लड़की से शादी करने जा रहा है, और वो भी लव मैरिज? क्यों माँ, क्यों? पिंकी, सिद्धार्थ तेरे साथ धोखा करके कभी खुश नहीं रहेगा, भगवान पे भरोसा रख। भरोसा? मुझे अब किसी पे भी भरोसा नहीं रहा, मुझे मर जाने दो माँ, मैं जीना नहीं चाहती। पिंकी, होश में आ, मैं तेरे लिए सिद्धार्थ को वापस ले आऊंगी, वादा है मेरा, मुझे थोड़ा वक्त दे दे। कैसे माँ, कैसे ले आओगी उसे? मैं जैसे बोलती हूँ तू सब कुछ वैसे ही करती जा, देखना एक दिन सिद्धार्थ तेरा होगा। अरे सिद्धार्थ की माँ, आप बड़ी खुश नजर आ रही हैं, क्या बात है? हाँ बात ही कुछ ऐसी है, एक्चुअली मेरा सिद्धार्थ शादी करने वाला है जल्द ही, लड़की बहुत सुंदर है और एकदम साफ दिल की। वाह वाह, बधाई हो, तो फिर उनको यहीं पे बुला लीजिए, आपके साथ रहेंगे, क्योंकि इकलौता बेटा है आपका, आज नहीं तो कल आपके पास वापस आना ही है उसे, इसलिए अभी से बहू को अपने हिसाब से नहीं रखेंगी तो वो कहाँ इंडिया में आपके साथ एडजस्ट हो पाएगी बाद में, उनका तो वहाँ पे सब सेपरेट रहते हैं ना। बात तो वैसे सही है, मुझे भी यही लगता है कि उन्हें इंडिया बुला लेना चाहिए अब। हाँ अभी बहू नहीं है, आप समझाएंगी तो वो मान जाएगी, बाद में ना सुनने वाली आपकी। वैसे आप पिंकी के लिए रिश्ता देखना शुरू किए या नहीं? आंटी, मुझे अब शादी करने की कोई इच्छा नहीं रही। ऐसे मत बोलो बेटी, मुझे पता है तुम और सिद्धार्थ एक दूसरे को चाहते थे, पर सिद्धार्थ को यहाँ से गए हुए 6 साल हो चुके हैं, और इन 6 सालों में बहुत कुछ बदल गया है बेटी, तुम्हें भी अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, खुश रहना चाहिए। हाँ आंटी, आप शायद सही बोल रही हैं, मेरा मन तो नहीं मान रहा, पर फिर भी कोशिश करूंगी सिद्धार्थ को भुला के आगे बढ़ने की। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, इधर पिंकी और उसकी माँ
दोनों सिद्धार्थ के इंडिया वापस आने का इंतजार कर रहे थे और उधर सिद्धार्थ भी सलोनी से शादी कर लिया था। पिंकी की माँ, ये लीजिए मिठाई। आज सिद्धार्थ की शादी सलोनी के साथ हो गई। ओ अच्छा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। चलो अब बहू से बात हुई या नहीं? आ रहे हैं ना इंडिया वो दोनों? हाँ बात तो हो गई, बहू भी यहाँ पे आने को मान गई है। मुझे लगता है कुछ ही महीनों में मेरा घर भरा भरा रहेगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है। अच्छा पिंकी माँ, मैं चलती हूँ, बाकी घरों में भी मिठाई बांटनी है। माँ, सिद्धार्थ ने शादी कर ली? तू चिंता मत कर पिंकी, वो बस एक बार अपनी पत्नी को लेके यहाँ घर पे आ जाए, फिर हम ऐसा खेल खेलेंगे कि सिद्धार्थ उस फॉरेनर को छोड़ के तुझसे शादी करने मजबूर हो जाएगा, देखना तू। समय बीतता गया और पिंकी की माँ अब सिद्धार्थ के माँ के साथ कुछ ज्यादा ही दोस्ती निभाने लगी थी, ताकि उनके घर की बात जान सके और अपनी गंदी चाल चलाने सिद्धार्थ की माँ के दिमाग में बहू के खिलाफ बातें भर सके। इधर पिंकी भी सिद्धार्थ की बहन सोनिया से काफी क्लोज होने लगी थी। उसके साथ शॉपिंग जाना, पार्क में घूमना, कीमती गिफ्ट्स देना, ये सब शुरू हो चुका था। फिर एक दिन सिद्धार्थ अपनी नई नवेली दुल्हन सलोनी के साथ इंडिया पहुंचा। माँ, सोनिया का कॉल आया था, सिद्धार्थ घर पे आ रहा है। पिंकी, अभी से उतावली मत हो, हमें सोच समझकर आगे बढ़ना होगा, बहुत होशियारी से सारा काम करना है, एक्साइटमेंट में गलती मत कर देना बेटी, सारा खेल बिगड़ जाएगा। नहीं माँ, मुझसे इस बार कोई गलती नहीं होगी। लास्ट टाइम सिद्धार्थ को हायर स्टडीज के लिए फॉरेन जाने क्या दे दी, मेरी तो लाइफ ही बर्बाद कर दी उसने। वो वापस आ गया है, अब तो वो बस मेरा ही होगा, बस मेरा। तो फिर सुन, आज शाम को ही बहू को देखने सब उनके घर पे जाएंगे और तुझे आखिर में सिद्धार्थ मेरा हो ही गया। एक्चुअली सिद्धार्थ पिंकी से सगाई करने शायद तैयार नहीं था, पर अपनी माँ और बहन की दिल रखने वो बस उनके हाँ में हाँ बोलते जा रहा था, और पिंकी सिद्धार्थ के दिल में अपनी जगह बनाए रखने, माँ मैं सिद्धार्थ से मिलने जा रही हूँ। क्यों, कल ही तो मिली थी उससे, इतनी भी अच्छी बनने की एक्टिंग मत कर कि पकड़ी जाएगी। अरे माँ, आप वो सब मुझ पे छोड़ दो, बस ये देखते जाओ कि मेरे मगरमच्छ के आंसू क्या रंग लाती हैं। पिंकी, तुम इतनी सुबह सुबह? सिद, मुझे कल रात को बहुत बेचैनी सी फील हुई, कहीं ना कहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे मुझे सलोनी से एक बार मिल लेना चाहिए। माँ भी मुझे यही बोली कि बेचारी पे क्या बीत रही होगी, देख आओ पिंकी उसे, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। चलो ना सिद, आज सलोनी को देख आते हैं। पर क्यों पिंकी? सिद प्लीज मना मत करो। ठीक है, अब तुम इतना फोर्स कर ही रही हो तो अभी चलते हैं। ओके। सिद्धार्थ और पिंकी चले मेंटल असेलम में सलोनी से मिलने। अरे सिद्धार्थ, पिंकी, तुम दोनों सुबह सुबह कहाँ निकले? आंटी, हम दोनों एक्चुअली सलोनी को देखने जा रहे हैं। अच्छा, तो फिर मैं भी चलती हूँ, फॉर्मेलिटी के तौर पर थोड़ा मिलाऊंगी उससे। माँ, मैं भी चलूंगी। हाँ हाँ, चलो ना सोनिया। बहुत मजा आएगा,
जब डॉक्टर ये बोलेंगे कि सलोनी बहुत बीमार है, वो यहाँ से कभी नहीं जा सकती। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये सलोनी को किस फ्लोर पर रखा गया है? सलोनी? यहाँ पे तो सलोनी नाम की कोई पेशेंट नहीं है। व्हाट? यहाँ पे सलोनी नाम की कोई नहीं है, ये क्या बोल रहे हो? ओह, आप शायद सलोनी मैडम के बारे में बोल रही हैं। वो आपको सेकंड फ्लोर में मिलेंगी। सलोनी मैडम? यहाँ सबके सब पागल हैं क्या? सीध, आंटी सोनिया, आइए ना, ऊपर चलते हैं, सलोनी ऊपर होगी। पियोन के बताए हुए रूम ढूंढते ढूंढते पिंकी बाकी सबको लेकर सेकंड फ्लोर में सलोनी के कमरे में पहुंच गई। और उस कमरे के अंदर जाते ही सलोनी, तुम? ओ पिंकी, फाइनली मुझसे मिलने आ ही गई तुम। सिद्धार्थ डार्लिंग, कल रात को ही तो आए थे, फिर सुबह सुबह ऑफिस नहीं जाना क्या बेबी? मैं क्या करूं बेबी, तुमसे मिले बिना मुझसे रहा नहीं जाता, इसीलिए फिर से आ गया। क्या सिद्धार्थ तुमसे मिलने आता है यहाँ पे? हाँ, सुबह शाम दो बार आता है रेगुलर, और कभी कभी तो वर्क फ्रॉम होम लेकर दिन भर मेरे पास रुकता है। सिद्धार्थ, तुम फिर से मेरे साथ धोखा किए, मेरे सामने नाटक करके। नाटक? कौन किया है नाटक पिंकी, तुम दोनों माँ बेटी या हम? आंटी आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? मेरी अच्छी भली बहू को पागल साबित करके हमेशा के लिए पागल खाने भेजने का अच्छा प्लानिंग की थी तुम दोनों ने, पर हमें समझ आ गया था कि इस सब के पीछे तुम और तुम्हारी वो घटिया चाल चलने वाली माँ है। नहीं आंटी। चुप करो पिंकी, बहुत हो गया, क्या जानना चाहती हो तुम? हाँ, जिस दिन हम इंडिया पहुंचे उसी रात को सलोनी को अचानक से बैल्कनी में भूत दिख गया। देर रात तक तुम्हारी माँ जानबूझकर मेरे माँ को बातों में उलझाए रखी ताकि तुम बैल्कनी से आकर ये सब काम कर सको। यस, पर पिंकी मैडम को कहाँ पता था कि मैं इतनी भी कमजोर नहीं हूँ जो एक मास्क पहने हुए भूत देख के डर जाऊं। और पिंकी दीदी, आपको क्या लगा था आप चुपचाप हमारे घर में घुस के भाभी के कमरे में सांप छोड़ आएंगी और हमें पता ही नहीं चलेगा? अरे इत्तफाक से मैं उस दिन छत पे घूम रही थी और आपको सांप लेके आते हुए देख ली थी, और उस दिन दीवार पे क्या लिखने आई थी, चली जा यहाँ से। बाजार से आते वक्त देखा था मैंने कैसे तुम और तुम्हारी माँ वो स्टिकर को दीवार से निकाल के जल्दी जल्दी में छुप छुप के अपने घर भाग रहे थे। और पता है पिंकी मैडम, हमें तो बस डाउट था तुम दोनों माँ बेटी के ऊपर, पर कंफर्म तो उस दिन हुए जब तुम हमारे कार के अंदर स्कल रख के गई थी, क्योंकि वो खुशबू तुम्हारी परफ्यूम की ही थी और उसी परफ्यूम को लगा के तुम मुझसे मिलने भी आया करती थी हमारे घर में। अब बताओ ये सब करके तुम्हें मिला क्या आखिर में? मुझे बस सिद्धार्थ चाहिए और कुछ नहीं, मैं इसे बचपन से प्यार करती आ रही हूँ, पर ये मुझे धोखा देकर तुझसे शादी कर लिया, इसीलिए मुझे तुम दोनों को अलग करने का यही एक तरीका सबसे अच्छा लगा, पर तुम सब ने मिलके मेरे साथ ये नाटक करके मेरे इमोशंस के साथ खेल खेला है। क्यों क्यों किया ऐसा? ताकि तुम्हें भी समझ आए कि कैसा लगता है जब कोई पूरी प्लानिंग के साथ दो प्यार करने वालों को अलग कर दे। पिंकी, बहुत बार समझाई थी मैं तुम्हें कि सिद्धार्थ को भूल जाओ, अपने लाइफ में आगे बढ़ो, पर तुम? सिद्धार्थ ने सलोनी से शादी करके मेरे साथ धोखा किया था, मैं बस फिर से मेरे सिद्धार्थ को पाना चाहती थी। धोखा मैंने दिया था तुम्हें? पिंकी, बचपन से आज तक मैं बस तुम्हें एक दोस्त के नजर से देखा हूँ, पर तुम अपने मन ही मन मुझे अपना लवर मान के पूरे स्कूल में, कॉलेज में, आस पड़ोस में, तुम्हारे घर में और हमारे घर में भी ये बोलती गई
कि मैं और तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। कब किया मैंने प्यार तुमसे पिंकी? एक भी बार तुमने मेरे मुंह से आई लव यू सुना था? नहीं, फिर भी तुम अपने मन ही मन खिचड़ी पकाते गई। सलोनी मेरी प्यार थी और हमेशा रहेगी। चलो सिद्धार्थ, बहुत हो गया पिंकी मैडम और उनके माँ को सबक सिखाने का प्लानिंग। अब मुझे अपने घर जाना है। चलिए ना माँ। हाँ बहू, तुम्हारे बिना घर तो एकदम सूना पड़ चुका है। हम सास बहू मिलके ऐसी प्लानिंग नहीं करते तो इस घटिया लड़की को कभी सबक नहीं सिखा पाते। पिंकी रोते रोते घर वापस आ गई और अपने माँ को सारी बातें एक एक करके बोलती गई। उसकी माँ भी ये सब सुनने के बाद एकदम सुन पड़ गई थी। अपनी बेटी की लाइफ सुधारने और एक बेटी की जिंदगी बर्बाद करने का नतीजा बिल्कुल सही नहीं हुआ। सलोनी तो अपने ससुराल में पति, सास और ननंद के साथ बहुत मजे से रहने लगी, पर पिंकी और उसकी माँ अपने किए पर शर्मिंदा होकर वहाँ पे और रह नहीं पाए और हमेशा के लिए अपने गांव चले गए। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे और एक मजेदार रोमांचक कहानी के साथ। नमस्ते।